भाई कलामिक ने 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाल के बोला है, एक मिडिल क्लास बॉय आपकी वजह से स्टार है, मुझे वहां से यहां तक लाने के लिए आपका शुक्रिया। भाई एमसी स्टैन के फैंस कपिल शर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि कपिल शर्मा ने एमसी स्टैन को बोला था कि तुम इतनी ज्यादा ज्वेलरी पहनते हो, तुमको लॉकर नहीं मिला क्या? तो भाई इसी के ऊपर फैंस बहुत ज्यादा नाराज हो गए कपिल शर्मा के ऊपर। पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करने का। भैया एमसी स्टैन फटरी है क्या, आओ ना पहलवान। भाई बजरंग दल वालों ने सीधा क्लियर बोल दिया स्टेज के ऊपर चढ़ के कि अगर तुम एमसी स्टैन से प्यार करते हो तो भाई जल्दी एमसी स्टैन को लेकर निकल जाओ, नहीं तो उसकी वहीं पे पिटाई कर देंगे। देखो इस वीडियो क्लिप में। भैया अभी उसका वाकई में फैन हूं, आप लोग उसको जूता खाता हुआ देखना चाहता हूं, शेरेटन कोच का आदमी पहुंच रहा है, ठीक है। भाई देखो फेक न्यूज कितनी ज्यादा जल्दी फैलती है। एमसी स्टैन का इंदौर में शो था, मुनावर फारूकी और बहुत सारे सेलिब्रिटीज जाने वाले थे शो में, पर भाई किसी ने ये न्यूज फैला दी कि एमसी स्टैन का शो कैंसिल हो चुका है इंदौर का। तो जितनी भी ऑडियंस थी, आधी ऑडियंस तो भाई वापस चली गई, शो हुआ पर आधी ऑडियंस के साथ, जिसकी वजह से एमसी स्टैन को भाई पैसे का बहुत बड़ा फटका लगा। तो भाई जो भी बंदे ने ऐसा किया होगा प्लीज ऐसा मत कीजिए। भाई क्या एमसी स्टैन लोगों के गाने कॉपी करता है? रोस्टिंग गुरु ने एक वीडियो अपलोड किया जिसका नाम है एमसी स्टैन एक्सपोज कॉपी कैट विजय डीके। रोस्टिंग गुरु का ये कहना है कि एमसी स्टैन विजय डीके के गाने कॉपी करता है। देखो उन्होंने वीडियो क्लिप में क्या बोला है। किसी ने सही कहा है भाई, नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। एमसी स्टैन ने अस्तगफिरुल्लाह सॉन्ग निकाला अपने लाइफ पर बेस्ड, ऐसा मुस्लिम फैमिली नहीं, बट ये बोझ देखिए इतना बड़ा सी है कि इसको बस एमसी स्टैन का सारा चीज कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने आते हैं। अरे कंट्रोल बोझ डीके।